हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माया का किरदार निभाकर मशहूर होने वाली एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट के आज करोड़ों फैंस हैं। आज इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगी उन्हीं की ही लाइफस्टाइल के बारे में। साल 2023 में उनकी रियल एज क्या है, उनकी फैमिली में कौन कौन है, उनकी दूसरी शादी हुई या फिर वो किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में है, उनकी सैलरी कितनी है, अभी तक उनकी बैंक बैलेंस कितनी है, इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा आप लोग को इस वीडियो में। अगर आप उनके फैन है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। उनका रियल नेम है जेनिफर विंगेट। उनका निकनेम है जेनी और जेडब्ल्यू। 30 मई 1985 में उनका जन्म हुआ था। उनका बर्थ प्लेस है गोरेगांव, मुंबई। उनका हाइट है 5 फीट 5 इंच और उनका वेट है 55 kg। उनकी फिगर मेजरमेंट है 34-28-34। उनकी जोडियाक साइन है जेमिनी। साल 2023 में उनका रियल एज है 38। उनकी हॉबीज के बारे में बात की जाए तो उन्हें शॉपिंग करना और अपने पेट डॉग के साथ खेलना बेहद ही पसंद है। जेनिफर की राइट शोल्डर के पास एक टैटू है जहां पर लिखा हुआ है हकुना मटाटा। उनकी बाएं पैर पर दूसरी टैटू है जहां पर एक परी चांद के ऊपर बैठी हुई है। चलिए जान लेते हैं उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। उन्होंने मुंबई के सेंट जेवियर हाई स्कूल से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की है। इसके बाद जेनी ने KJ सुमाया जूनियर कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स से अपनी हायर स्टडीज कंप्लीट की है। उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो उन्होंने BCOM की डिग्री कंप्लीट की है। उनकी प्रोफेशन की बात की जाए तो वो एक एक्ट्रेस और मॉडल है। चलिए जान लेते हैं उनके करियर के बारे में। साल 2002 में टीवी सीरियल शकलका बूम बूम के साथ उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में अपना पहला डिब्यूट दिया था, जहां पर उन्होंने पिया का किरदार निभाया था। इसके बाद वो कई सीरियल्स में नजर आई थी, जैसे कि कुसुम, कोई दिल में है, कार्तिका, कहीं तो होगा और संगम। साल 2005 में उन्होंने कसौटी जिंदगी सीरियल में सिंहा बजाज का किरदार निभाया था। साल 2009 में सीरियल दिल मिल गए में वो डॉक्टर रिधिमा गुप्ता के किरदार में नजर आई थी। साल 2013 में उन्हें सरस्वती चंद्र सीरियल में कुमुद के किरदार में देखने को मिला था। साल 2016 में वो बेहद सीरियल में माया मेहरोत्रा के किरदार में नजर आए थे। ठीक उसी साल ही वो सीरियल बेपनाह में जोया सिद्दीकी के किरदार में नजर आए थे। साल 2020 में टीवी सीरियल बेहद की सीजन 2 में वो माया जयसिंह के किरदार में नजर आए थे। टीवी सीरियल्स में काम करने के अलावा वो कई सारे टेलीविजन शोज भी होस्ट कर चुकी है, जैसे कि देख इंडिया देख, लाफ्टर के फटके, जरा नच के दिखा सीजन 2, कॉमेडी का महामुकाबला और नचले वे विद सरोज खान। टीवी सीरियल्स में काम करने से पहले जेनिफर विंगेट ने बहुत ही कम उम्र में अकेले हम अकेले तो मूवी के साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना पहला डेब्यू दिया था। इसके बाद वो राजा की आई की बारात में चाय डॉक्टर के तौर पर काम किया था। इसके बाद वो नजर आई थी राजा को रानी से प्यार हो गया मूवी में, जहां पर उन्होंने तनु का किरदार निभाया था। साल 2003 में वो बॉलीवुड फिल्म कुछ न कहो में पूजा के किरदार में नजर आए थे। इसके बाद वो कई सारी मूवीज में नजर आए थे, जैसे कि लाइफ रिबोट नहीं होती और फिर से। टीवी सीरियल्स और मूवीज में काम करने के अलावा उन्होंने वेब सीरीज कोड M के साथ डिजिटल इंडस्ट्री में अपना पहला डेब्यू दिया था, जहां पर वो मेजर मोनिका मेहरा के किरदार में नजर आए थे। चलिए जान लेते हैं उनके फैमिली में कौन कौन है। साल 2013 में मोस्ट वीट एक्ट्रेस की कैटेगरी में उन्हें गोल्ड अवार्ड दिया गया था। ठीक उसी साल ही उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी में इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड दिया गया था। साल 2014 में बेस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी में उन्हें इंडियन टीले अवार्ड दिया गया था।
साल 2017 में मोस्ट स्टाइलिश टीवी पर्सनालिटी की कैटेगरी में उन्हें HT मोस्ट स्टाइलिश अवार्ड दिया गया था। साल 2017 में बेस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी में उन्हें लायंस गोल्ड अवार्ड दिया गया था। साल 2018 में बेस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी में उन्हें दादा साहेब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया था। ठीक उसी साल ही उन्हें प्रॉमिसिंग वर्सेटाइल टीवी एक्ट्रेस की कैटेगरी में इंडियन लीडर्स अफेयर अवार्ड दिया गया था। साल 2018 में उन्हें बेपनाह सीरियल की उनकी एक्टिंग को देखते हुए उन्हें गोल्ड अवार्ड दिया गया था। साल 2019 में बेस्ट एक्ट्रेस इन लीड रोल की कैटेगरी में उन्हें इंडियन टेली अवार्ड दिया गया था। साल 2022 में बेस्ट एक्टर सीरीज की कैटेगरी में उन्हें फिल्म फेयर ODT अवार्ड दिया गया था। चलिए जान लेते हैं उनके फैमिली में कौन कौन है। उनकी फैमिली के बारे में बात की जाए तो वो क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करती है। उनके पिता का नाम है हेमंत विंगेट। उनकी माँ का नाम है प्रभा विंगेट। उनके एक भाई है जिनका नाम है मोसेस विंगेट। उनकी पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो उन्होंने 2012 में अपने को स्टार और टीवी एक्टर करण सिंह ग्रोवर के संग शादी रचाई थी। हालांकि 2 साल बाद ही कपल ने डिवोर्स ले लिया था। फिलहाल जेनिफर टीवी एक्टर शहबान आजिम को डेट कर रही है। आपको बता दें कि जेनिफर की बेस्ट फ्रेंड है टीवी एक्ट्रेस रश्मि धामी। चलिए जान लेते हैं उनकी इनकम के बारे में। उनकी सैलरी के बारे में बात की जाए तो पर एपिसोड के लिए वो 3 लाख रुपए लेती है। उनका नेट वर्थ है 70 करोड़। चलिए देखते हैं उनकी कार कलेक्शन। उनके पास BMW X1 मॉडल की कार है जिसका कीमत है 70 लाख। उनके पास BMW 5 सीरीज मॉडल की कार है जिसका कीमत है 55 लाख। उनके पास Volkswagen पोलो मॉडल की कार है जिसका कीमत है 10 लाख। उनके पास Lamborghini Urus मॉडल की कार है जिसका कीमत है 3 करोड़। चलिए जान लेते हैं जेनिफर विंगेट के बारे में कुछ अनके ही बातें। आपको बता दें कि जेनिफर के पिता मराठी क्रिश्चियन थे और उनकी माँ पंजाबी हिंदू थी। जेनिफर विंगेट अपने आप को फिट रखने के लिए वेजिटेबल जूस खाना पसंद करती है। जेनिफर ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि अगर वो एक एक्ट्रेस बन नहीं पाती तो वो जरूर एक एयर होस्टेस बनती। रियल लाइफ में जेनिफर डॉग्स बेहद पसंद करती है। जेनिफर को उनके नाम की वजह से अक्सर ये लोग समझ लेते हैं कि वो फॉरेन से बिलोंग करती है। उन्हें दोहा और कतार से शॉपिंग करना बेहद पसंद है। आपको बता दें कि सरस्वती चंद्र सीरियल की शूटिंग के शुरू में ही कुछ कॉन्ट्रैक्ट इश्यूज के कारण जेनी को सीरियल से बाहर कर दिया गया था, लेकिन बाद में मेकर्स ने जेनी को इस शो में वापस लाए क्योंकि प्रोडक्शन कंपनी को परफेक्ट रिप्लेसमेंट नहीं मिल पाया था। साल 2012 में UK बेस्ड न्यूज़पेपर ईस्टर्न आइज लिस्ट ऑफ 50 सेक्सिएस्ट एशियन वुमेन के लिस्ट में वो 21st रैंक पर आई थी। साल 2017 और 2018 में टाइम्स ऑफ इंडिया की टॉप 20 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन ऑफ टेलीविजन की लिस्ट में सेकंड आई थी। अब तक वो कई मैगजीन के लिए कवर मॉडल भी रह चुकी है। साल 2022 में विंगेट ने वाइल्ड लाइफ SOS के साथ अपनी मर्जी के साथ 3 दिन बिताकर भारत के हाथियों की लड़ाई को वितरित किया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और अगले वीडियो में आप किसका लाइफस्टाइल देखना चाहते हैं वो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। Thanks for watching this video. टेलीविजन दुनिया की छोटी बड़ी न्यूज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट लाइक जरूर करना। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।